हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, और जो ये नोटिफिकेशन ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है। अब इसके थ्रू जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्तियां होंगी वो सारी जो है वो परमानेंट नहीं होंगी, और इस नोटिफिकेशन में जो पोस्टें हैं वो पूरी परमानेंट है, और साथ ही साथ जो पोस्टों का जो नंबर है वो बल्क में है। तो ये अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट निकलने वाली जो भी वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ ने निकाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं CGPSC। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वैसे ही जो है एक नया इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इस इंटरफेस पे आपको जो है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये वेबसाइट www.psc.cg.gov.in, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सूचना पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2019 5 सितंबर 2020 अप्लाई नाउ। तो ये आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 2019 परीक्षा दिनांक 18 जनवरी 2019, शुद्धि पत्र के 4/2019 दिनांक 23 फरवरी 2019 एवं 12/2019 परीक्षा दिनांक 23 नवंबर के तहत सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त 1384 वैकेंसी। तो देखिए, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी उस सारे सब्जेक्ट में जो कि वैकेंसी वो 1384 है। तो ये जो वैकेंसी बहुत ह्यूज नंबर में है। अब इन्होंने बताया जिनमें ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की तिथि दिनांक 4 फरवरी 2019 से दिनांक 5 मार्च 2019 तक था। तो ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी 4 फरवरी को स्टार्ट हो गया था फिलअप करना, और इसकी लास्ट डेट 5 मार्च थी, ठीक है? तो अब क्या किया गया है, अब इस फॉर्म को दोबारा रीओपन किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ एज रिलेटेड इशू था कि कुछ की एज जो थी वो ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी याचिका दायर हाई कोर्ट में, और उसका वेट कर रहे थे कि उस याचिका का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और उसकी बेस पे इन्होंने जो है इसे फिर रीओपन किया है। अब उनमें जो लोगों ने याचिका डाली थी वो जो है केस को जीत गए हैं, और उसमें जो हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जो है अगर आप जो है आपकी एज अगर इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आती है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसकी वजह से जो ये फॉर्म है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसे दोबारा रीओपन किया है, ठीक है? अब इन्होंने इसके साथ बोला कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन 8 सितंबर 2019 को हुआ था, जिसका परिणाम 9 माह बाद 24 जून 2020 को जारी किया गया था, ठीक? इसके बाद इन्होंने देखिए बोला था कि जैसा कि जो नोटिफिकेशन आया था 13 जून 2018 में कि 1 जुलाई 2021 से सहायक प्राध्यापक A2 PhD अनिवार्य होगी, ठीक है? यानी कि 1 जुलाई 2021 से अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ले अप्लाई करना है तो आपको PhD जो है वो मस्ट होनी होगी, वो मैंडेटरी होगी। इसके बाद इन्होंने बोला छात्रों को आवेदन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमति दी जाती है, ठीक है? तो इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप जो ये नोटिफ ये जो विंडो है ये रीओपन किया गया है, और ये 5 सितंबर 2020 के अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9 सितंबर से 12 बजे से शाम दिनांक 18 सितंबर रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे फिर से रीओपन करा गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसके लिए पहले एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने बोला है कि वो क्या है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या उनके डिसीजन आने के बाद। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन में अगर आपको कोई भी रिति सुधार का कार्य करना है, यानी कि अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है, तो वो भी आप 20 सितंबर 2020 को 12 बजे से दिनांक 22 सितंबर तक रात के 12 बजे तक को 11:59 बजे तक केवल एक बार ही किया जा सकेगा। तो अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो आप 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये था एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्म यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन खुल के आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा एक चीज और आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर पोस्टपोनमेंट एग्जाम, नोटिफिकेशन पोस्टपोनमेंट ये देखिए आपको यहाँ सूचना पत्र में। इसके बाद आपको बस अप्लाई नाउ, तो देखिए जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्लिक है तो व्यू और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 18 जनवरी 2019। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और ये देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ मिलेगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी जो वैकेंसी है वो कौन सब्जेक्ट में है। तो देखिए जितने सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हैं सब में जो है वैकेंसी निकाली गई है। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए अंग्रेजी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टोटल जो वैकेंसी 130 है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में 50 है, वाणिज्य में 184 है, केमिस्ट्री में 150 है, मैथमेटिक्स में 99 है, अर्थशास्त्र में 61 है। तो ऐसे आप अगर वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वैकेंसी भी आप यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी देखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कि इसका जो पैटर्न होगा वो एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम का पैटर्न भी आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको एग्जाम का पैटर्न भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल 330 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें से इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पार्ट ए वो समान गया छत्तीसगढ़ जीके से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन उसमें से आएंगे और बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके आपके सब्जेक्ट्स के, कि आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देखिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है नोटिफिकेशन, और मैंने आपके साथ वैकेंसी का भी डिस्कस कर लिया है। और अब अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है एनेक्जर 2 में। ठीक है, तो ये एनेक्जर 2 है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो देखिए जो पार्ट ए होगा वो छत्तीसगढ़ का समान ज्ञान, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने पार्ट 1 में बोला जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़, तो आपको ये सब जो है पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि इसके जो है 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ की बुक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आपका सिलेबस देखिए दे रखा है, अगर इंग्लिश आपका पेपर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस दे रखा है। वहीं अगर आप फिजिक्स का कर रहे हैं तो फिजिक्स के लिए भी सिलेबस दे रखा है। तो आपको यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स है जहां जहां भी वैकेंसी निकली है उन सबका आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। देखिए माइक्रोबायोलॉजी का भी है, होम साइंस का भी है, तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और आप अपनी जो तैयारी है सिलेबस की बेस पे जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपसे सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है और नोटिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया है। तो ये जो था ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था। इसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकली है जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आप इन की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर इसका फॉर्म भरिए, क्योंकि ऐसे जो अपॉर्चुनिटी वो बार बार नहीं आती है और इसमें जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इतनी वैकेंसी नॉर्मली नहीं निकलती है, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज से वो अटैच होते हैं उनमें 2 या 3 वैकेंसी लाइक डेट निकलती है। लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन्होंने जितने भी कॉलेजेस हैं जो भी छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है उनमें इन्होंने जो जितनी भी वैकेंसी खाली है उन सब वैकेंसी को के लिए एक ही साथ जो है एग्जाम करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वैकेंसी वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आप मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जो हो सके तो इसका जो फॉर्म है वो फिलअप करिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि इससे ज्यादा वैकेंसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी अभी जल्दी ही। ठीक है, तो अभी इसी का फॉर्म आया तो ये रीओपन हुआ है, तो आप जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म को फिलअप करिए। तो मैं आपको बता दूं इसकी स्टार्टिंग डेट 9 सितंबर है और जो लास्ट डेट वो 18 सितंबर 2020 है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।